वो पूरा पकड़ के पूरा हो जाता खींचो, है, यही मैक्सिमम दूसरा पैर कितना चाहता है? पकड़ के मैक्सिमम चले जाता है मैम। दिखाओ मुझे, प्रॉपर दिखाओ, सामने किसी को फोन दो प्रतीक, प्रॉपर दिखाओ। पूरा सीधा पैर पूरा सीधा करो, पहले पूरा सीधा करो। हाँ अब बेंड करो, करूं मैं पकड़ो आगे हाथ हाथ, से पकड़ के खींचो, दोनों पैर बेंड करो प्रतीक, ओके दोनों पैर को पकड़ के खींचो, दोनों पैर बेंड करो, डिफरेंस कितना रहा? दोनों दोनों पैर को पकड़ो आगे से और खींचो, दोनों आगे एंकल से पकड़ो प्रतीक, ठीक है गुड, पर ठीक है ओके, स्टॉप करो, स्टैंड, वेरी नाइस प्रतीक। कोई बॉल है आपके पास या कुछ चीज है, आपको क्या करना है? सिंगल लेग पे खड़े होके ऐसे से कैच कैच खेलना है। कैच कैच खेलना है तो यस, मैम ऊंचा नहीं प्रतीक, दोनों हाथ से स्लोली स्लोली, इतना ऊपर नहीं प्रतीक, नीचे 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 नीचे, धीरे 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 कैच कैच खेलो, हाथ दोनों करना हाथ से प्रतीक, लाइक दिस, प्रतीक लाइक दिस, दिमाग मार बैलेंस बैलेंस करो, धीरे धीरे खेलो, ठीक है प्रतीक, 25 to 30 seconds होल्ड करना है, ट्राई टू बैलेंस, और 30 seconds होल्ड में जितनी बार आप बॉल से या किसी चीज से कैच कैच खेल सकते हो आपको कैच कैच खेलना है। 30 seconds होल्ड, 30 seconds रेस्ट, फिर 30 seconds होल्ड, फिर 30 seconds रेस्ट, 4 बार करना है। 4 बार ठीक है घुटना हाँ अब दोनों नीज को टोज पे पुश करते हुए बैठो और खड़े हो, टच एंड गो, नीज को पुश करो, कमर यूज नहीं करनी, गो, वन, टच करो, पूरा हिप को टच करो, वेट है कोई अभी आसपास प्रतीक, घर पे? वेट है इसके लिए वेट पकड़ो हाथ में, वेट के साथ करके दिखाओ, नी को पुश करो प्रतीक, घुटने को पुश करो टोज पे, नी को पुश करते हुए जाओ, नहीं नी को पुश करो पहले, हाँ सिट एंड गुड, सिट एंड गो, ठीक है प्रतीक, यू कैन स्टार्ट टेकिंग 2 to 3 kg ऑफ वेट से शुरू करो, और आप अपने बॉडी का 10% वेट ले सकते हो, तो अगर बॉडी वेट 60 kg है तो 6 तक जा सकते हो, 70 kg है तो 7 तक जा सकते हो, तो 3 kg वेट से शुरू करो, ये 2.5 kg का प्लेट है ना, 3 kg ऑफ वेट से स्टार्ट, 2 kg है ना, हाँ तो 2 से 3 kg से स्टार्ट करो, 10 के 2 सेट करना है आपको इसके, ठीक है, ठीक जमीन पे करना, मैट पे करना या फ्लोर पे करना, पर गद्दे पे मत करना, अनस्टेबल सरफेस है, लिफ्ट करो अभी अभी, करके दिखाओ मुझे पहले, लिफ्ट करो नी पे लो, हाँ होल्ड, एल्बो अंदर करो प्रतीक, एल्बो थोड़ा नीचे की तरफ लो, शोल्डर के जस्ट नीचे एल्बो चाहिए, एल्बो एल्बो को नीचे लो, हाँ आगे की तरफ झुकना नहीं है, बॉडी पूरी सीधी रहनी चाहिए पीछे से, ठीक है गुड, डाउन, पहली बात तो प्रतीक अनस्टेबल सरफेस पे मत करना, दूसरा फर्स्ट यू डू क्लैम शेल देन यू डू दिस, तो ये पूरा सर्किट है, सीक्वेंस चेंज मत करना इसका, ठीक है, ठीक 8 repetitions उसके, 30 on 30 off, 8 repetitions फिर इसके, सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक
वॉक करो, सीधा चलो। गुड। हील पे चलो, अब हील पे चलो। एक तो प्रतीक, 4 राउंड आपको टो वॉक के करने हैं, 4 राउंड आपको हील वॉक के करने हैं, बीच में रेस्ट ले लेना, ठीक है? और दोनों हील ऐसे बराबर होना चाहिए, तो जब भी वॉक करोगे तो नोटिस कर रखना, ठीक है? ठीक। ठीक है प्रतीक। टेक इट डाउन, पटकना नहीं है प्रतीक, आराम से पैर लेके जाने। 20 सेकंड्स होल्ड, 20 सेकंड्स रेस्ट, फिर 20 सेकंड्स होल्ड, फिर 20 सेकंड्स रेस्ट, 8 रेपिटेशंस। एक्सरसाइज में स्वेलिंग नहीं है, पेन टेक इट नहीं डाउन, ठीक है। है प्रतीक? ओके प्रतीक, नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट वीक 10 डेज प्रोबेबली कोशिश करो आपको जिम भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है, जिम जा सकते हो आराम से, ठीक है? बाकी ठीक है। एक्सरसाइजेस करो, हील वॉक और टो वॉक शुरू करो एंकल के लिए आपके, ठीक है? एक बार आपसे बात ठीक। करना, मैम और फिर दोबारा एक हफ्ते बाद कनेक्ट करो। ये बेंडिंग कब तक कंप्लीट होगा? बेंडिंग आपका कंप्लीट है प्रतीक, पैसिव बेंडिंग पूरा आ रहा है, एक्टिव जैसे जैसे स्ट्रेंथ आएगी धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ के खींच रहे हो तो लग रहा है ना, हाँ, मतलब वो पकड़ के खींच के ही पूरा हो जाता, लेकिन वैसे नहीं हो पाता। हाँ वो एक्टिव थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ के साथ साथ आएगा, स्लोली स्लोली, कोई दिक्कत नहीं। पैसिव कंप्लीट हो गया है ना, बेंडिंग करते रहो पूरा हो जाएगा, पकड़ के खींचो, हर 2 घंटे में नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है।